पीएम मोदी वाराणसी से करेंगे मिशन 2024 का शंखनाद, काशी की तमिल संगम में करेंगे शिरकत, विकसित भारत संकल्प यात्रा देखेंगे पीएम मोदी। डायमंड सिटी सूरत को मिला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा, आज पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन। तेलंगाना मुक्ति दिवस पर हिस्सा लेंगे अमित शाह, हैदराबाद जाएंगे अमित शाह, निजाम से लड़ने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ग्रेटर नोएडा में आयोजित नारी शक्ति राष्ट्र वंदन यज्ञ का आज आखिरी दिन, देश के कई दिग्गजों ने की है कार्यक्रम में शिरकत। मध्य प्रदेश के शोईपुर में कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल की शुरुआत, सीएम मोहन यादव करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन का आयोजन, हर साल होने वाली ये मैराथन पिछले 7 साल से हो रही, नवंबर दिसंबर में होता है आयोजन। आज से हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आगाज, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गीता सेमिनार का करेंगे उद्घाटन। हिमाचल में बुशहर कल्याण सभा की बैठक की तैयारी तेज, बुशहर कल्याण सभा में महासचिव की अध्यक्षता में होगी बैठक। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग के वंडर्स स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। मौसम ने ली फिर करवट, दिल्ली में बढ़ेगी ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार, उत्तर भारत में 2 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा।